सो गाइस, कल वाला एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो प्यारा सा एरिस है उसको कैद कर लिया गया है। हंस रहा था वो जब लेटा हुआ था, बोल रहा था मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे मार दो एर्थ्रुल, मुझे मार दो, मारो मुझे मारो। बट एर्थ्रुल भाई उसको आसान मौत तो नहीं देंगे। जिस हिसाब से उसने गुनाह किए हैं उसमें बनता है, उसको तेल में तलने का बनता है ना जी। एंड वो इंसान को अच्छी खासी मौत मिलेगी, ऐसा एर्थ्रुल भाई बोल रहे थे। एंड उसको मौका दिया है एक लास्ट चांस कि अगर भाई तू अपना गठजोड़ अगर अपना तू कबूल कर लेता है किसके साथ, अमीर 7 दिन कोपेक के साथ, तो फिर उसके बाद बख्श देंगे तुझे। बट अगर नहीं करता है तो तेरे ही लोगों के सामने, तेरे लोगों को सच्चाई बता के, तेरी इज्जत निकाल के तेरा गला काटेंगे, सबके सामने इब्रत का निशान बनाएंगे तुझे, ऐसा बोला था। और कल वाला एक एपिसोड का जो एक झलक देखो, कल बड़ा ही मस्त था वो। देखो देखो, ड्रम में से निकला ना भाई ऐसे जादूगर जैसे, उसके पीछे से पूरा उसका शॉल ऐसे। क्या बोलने का भी उन लोग को गला। ओ भाई, ए भाई डायरेक्ट गर्दन काट रहे ना। एर्थ्रुल भाई जब ऐसे ऐसे घूमते ना भाई, डायरेक्ट गर्दन काट देते हैं। डर लग गया था मेरे को, ये भेड़िए ऐसे क्या कर रहा है। सुल्तान ए मौजम निजामुद्दीन की जान लेंगी आज। बढ़िया है, अभी झोला उठाएगा, पप्पी देगा उनका झोले पे। अरे यार वो देख, झोले पे देख रहा, झोले पे ही देख रहा। नहीं नहीं, मक्तूब पे। बाप रे, डायरेक्ट उसको उसके किले में लेके आए। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपके लिए लेके आए एक और बेहतरीन पेशकश बाय ड्रिलिस एर्थ्रुल सीजन 4 एपिसोड नंबर 40। थोड़ी सी बैटरी डाउन है मेरी, क्योंकि मेरी आंखें देख रहे होगे, अभी थोड़ी देर पहले ही उठ के नहा के तैयार हुआ हूँ, काम पे लग गया हूँ। बट फिर भी मैं अपनी बैटरी अभी चार्ज करूंगा, क्योंकि हमें पूरा एंजॉय करना है एर्थ्रुल देख देख के। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। ओए होए होए, साडा किड़ा माशाल्लाह। बट हमारा एरिस दुआ कर रहा है, क्या कर रहे हैं। टिटान तुझे ढूंढेगा, तुझे मार देगा बेवकूफ निठल्ले। एर्थ्रुल भाई की बात मान ले। क्या बात है, सुधर गए हो मिस्टर एरिस। ऐसे रहता है ये। Thank you.
खोलेगा अपना मुंह। देख लिया तेनू बड़ा जी पर के गाना गाने का मन हो रहा था यार, क्या करूँ अभी, सॉरी ध्यान ही नहीं रहा मुझे। ओह ओह भाई इधर पेट में लगना था मेरे बेवकूफ टीटान। इतने बड़े बड़े मफले वो मफलर पहनता है ये, नीचे स्कर्ट पहनता लंबी वाली। बिल्कुल होंगे, तुम्हें कैसे पता चला? ओह माय गॉड अंतर्यामी। सब पता है इनको, देखो कौन सी औरत है रे किले में? कौन है बेचारा करते आ रहा, तरस आ रहा है यार मुझे इस पे यार, मत मारो इसको। नाक तो देखो बेचारे का, कैसे पकड़ते हैं ना उसको। कल बालकनी तो देखो सुल्तान मौजम, करोड़ों की बालकनी में खड़े हो। ओए होए होए पीछे से झोला उठा रहा, शर्म नहीं इसको। महल में मौजूद खतरा खत्म हो चुका है सादती,
कल मर जाऊंगा ज्यादा भी, लेकिन अगर मेरी मौत अचानक वाकई हो गई तो हालात बुरी तरह बिगड़ जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द रियासत के जानशीन का इंतखाब करना होगा। ओहो को लगता है कि वो इसका ही बंदा होगा ना याकू, तभी इसने नाम सजेस्ट किया है। ये हाथ की जगह झोला क्यों पकड़ता है मेरे को जानना है। अभी जब देखो झोला पकड़ते रहता है ये मोटू टेडी बियर्ड। बांट दी बट एरित्रल भाई अकेले जाएंगे क्या? ये गलत है। आई डोंट लाइक दिस। कोपू है ना ये? क्या एरित्रल भाई? कोपू है, कोपू है। कुछ लिख रहा है। सुल्ताने मौजम ने उसको बोला है ना कुछ करने के लिए। याकूब को बोलना है इधर आ जा तो। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही होगा। अब जाओ फौरन ये मक्तूब अहलत भेजो।
ये इसका ही बंदा है याकूब, बोल रहा था मैं सुल्ताने मौजम काहे करते हो ऐसे, ये निठल्ले की बातें सुनते हो। ऐसे मत बोलो यार इतरुल भाई, क्यों नहीं लौटोगे, हम आपके साथ हैं। डिजाइनर जब देखो ऐसे देखता रहता है, गंदी सी शक्ल बना के। अरे भाई थोड़ा तो शुक्र कर, बच गया तू। जाने का वक्त आ गया रिस। क्या ये? ये क्या? क्या होता है ये? क्या चल क्या रहा है ये? वो खुद बोल रहा है हाथ बांध दो। ऐसे ऐसे करते रहता है, बट कॉमेडी है बंदा, मजा आती है इसको देख के, मस्त है यार। इन्होंने विलन भी ना एक नंबर लिए है, बहुत अच्छे। मिस मारिया बहुत टाइम के बाद दिखी है। क्या वो बंदा ऐसे क्यों देख रहा है, क्या इसको किडनैप करने वाला है क्या? उसके पीछे आ रहा है। ऐसे कैसे शॉपिंग कर रही है ये, क्या कर रही है? रुको रुको, ये भाई, ये तो बीवी बन गई है अर्तुक भाई की। कुछ चिट्ठी छोड़ी उसने, सुन रहा है भाई, चल रहे हैं। गंदी मारिया, भाई उसको बचाया इतना भाई ने यार, क्या नौटंकी करती थी।
क्रॉस नहीं करना चाहिए। मूड खराब कर दिया है। नए कपड़े पहने हुए हलीमा सुल्तान ने मस्त वाले। आ गई क्या जहरीली है भाई। अर्थुल भाई ने उसकी जान बचाई बट ये तो थी नहीं ना ऐसी यार, ये तो खुद एरिस को मार रही थी। कहाँ पे एरिस? ये देखो बेशरम, इसको घर दिया रहने को, इसको प्यार दिया, इसकी शादी कराई, फिर भी निठल्ला बना जाता नहीं इसका। हसरी है बेचारे अर्तो भाई, कितने भोले हैं, उनके भोलेपन का फायदा उठा रही भामटी गई की। जो तूने किया है उसके ऊपर से ही जाएंगे तेरे को लेके, है तेरे लिए अभी नया रास्ता बनाने का भी है। आए बड़ा बांटे ये गरम कर रहा है अपनी तलवार को, गरम गरम तलवार से खेलना चाहता है। इतनी ठंडी में बाहर जाएगा, ठंडी हो जानी है तलवार। बेवकूफ रख लिए, पगला गया है तू, छर्रे उड़ा रहा बैठ बैठ के बस। पागल हो गए सब। आ गया टोपू, शक्ल से बड़ी इसका टोपा है। क्या खबर भेजी है? उसे
मारिया। देख तो गया, चिट्ठी भेज रही है निठल्ली। भाई पर ये बनी कैसे, मेरे को ये जानना है। उसके साथ इतना अच्छा किया, इतने अच्छे का सिला ये सिला दिया, तिचा आईला। यार गुरु कितनी एहसान फरामोश है वो लड़की। भाई इतना तरस आ रहा था मेरे को उस पे कसम से। ऐसे मुंह करता है ये बेवकूफ। बड़ा अच्छा लगता है मुझे इसको देख के। क्यूटी पाई, चलो हलीमा सुल्तान का लिबास क्या माशाल्लाह लग रहा है भाई। ओए भाई ओह माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया लग रहा है कसम से बोल रहा हूँ। ये थंबनेल में तो हलीमा सुल्तान की मस्त फोटो लगाने वाला हूँ मैं, इतनी प्यारी लग रही है सन। ओ देखो ओ लिबास बड़ा सही है, इतने सारे ऐसे कपड़े डाले हुए ऐसे लग रहा है भाई। ठंडी बहुत उतरी है ना वहाँ पर। बट मैं ये बोल रहा था कि ये अपना एरिस को पैदल चला के लेके जाते हैं पूरा कोनिया तक, है ना, तब मजा आना था। लॉल काफिला तो देखो, एरिस इधर जा रहा है, इसका घोड़ा इधर जा रहा है। घोड़ा भी पागल हो गया उसके ऊपर बैठ। जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं उस रफ्तार से तो हम 6 महीने पर पहुंचेंगे लगता है मुझे। कोडी पिछले ज़माने में कितनी टेंशन होती होगी ना, मतलब भाई बंदे को कहीं सफ़र करना है, बीच में कोई आके हमले ना कर दे, भाई टेंशन में बंदा जा रहा है, किसी को कॉल भी नहीं कर सकता, बैकअप भी नहीं बना। अभी तो क्या होता है, अभी क्या किसने हमला किया है भाई, 100 लोग लेके आओ रहे हैं, मेरे 2 लोग लेके आओ, 100 लोग आ जाते हैं, इन लोग का चिट्ठी भेजनी पड़ती होंगी भाई जाओ, 3 दिन उसको जाने में, 3 दिन उनको आने में, और इतने में तब तक बंदा खल्लास। बड़े तंग प्रॉब्लम होती होगी ना उस टाइम पर सच में। कैमरे पे मिट्टी फेंक दी घोड़े ने, घोड़ा भी अच्छा ही है, मजे कर रहा है। किसको ऐसे ऐसे कर रहा है, उसने तो घोड़ा खड़ा घोड़े को कर रहा होगा। अच्छा
हलीमा सुल्तान। कुत्ता है वो। कुत्ता है वो, मतलब दरख से बांध दो। गुड्डा मारा उसके मुंह में। साहब घोड़े आराम कर रहे थे यार, उनको दो मिनट तो दो। और बहुत चले, बहुत चल रहे हैं यार, कब से बेचारे। इतने सारे कपड़ों के साथ बैठना घोड़े पे बड़ा मुश्किल होता होगा सुल्तान को। दोनों अकेले जा रहे हैं। कोनिया ओ भाई, हीरे जड़ी हुई छोटी सी संदूक। पूरा दिन यही काम करते रहता बैठ के, दूसरा कुछ काम ही नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है इसको किसी चीज का। तो मौत की सजा पाने वाले मुझे इनकी तरह इतने परेशान क्यों हो गए? अर्थुल यहाँ पहुंचने वाला होगा मेरा हसरत, उसके महल पहुंचने से पहले उसको खत्म करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अर्थुल पर एक बार फिर से रास्ते में हमला करना क्या सुल्तान को दोबारा शक में मुब्तला नहीं कर देगा? असल उसके सुकून भी दफन हो जाएंगे उसके।
अरे अंगूठी साइड में कर, दिख नहीं रहा तेरा मुंह। क्या ये सुल्तान सादुद्दीन? अबे अच्छा नहीं लगता कुतरे। सुल्तान सादुद्दीन जमानी, सुल्तान अलाउद्दीन, सुल्तान अर्तुरुल। ठीक है, सादुद्दीन अच्छा नहीं लगता। कोपेक है सुल्तान, कोपेक सुल्तान कोपेक। बोलेंगे ऐसा, क्या नाम है इसका, कोपू। बट अर्तुरुल भाई का कितने दिन के लिए गए, वापस कब आएंगे, मेरे को ये टेंशन हो रहा है। अभी पीछे से वो हमले ना कर दे। टीटा टीटा, उसको क्या हो गया? थक्की गए हो घोड़ा। गाइस ये था हमारा रिएक्शन ऑन ड्रिली सर्तुरुल सीजन 4 एपिसोड नंबर 40। बहुत बेहतरीन एपिसोड था, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अभी देखने वाला सीन है कि आगे क्या होगा, क्योंकि अभी कोनिया आएगा, महल आएगा, महल के बंदे, महल के तौर तरीके, ओ माय गॉड, फैशन सेंस, ओ हो हो। तो गाइस आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक अ वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।